बहुत बहुत बधाई हो। जनता को बहुत बहुत बधाई हो। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आप पत्नी है मुख्यमंत्री की अब? क्या तैयारी करके भेजा था और किस तरह से आपने शुरुआत से तैयारी करवाई थी उनको? आशीर्वाद है, माता रानी का आशीर्वाद है। तो अभी मंदिर जाके आ रही हैं आप? जी। तो धन्यवाद देकर के आ गए हैं। क्या जाप चल रहा था खास ऐसा? कोई खास जाप नहीं था। परिवार को बहुत लंबे समय से पार्टी के लिए एक तरह से समर्पित थे, कुछ समय दे पाए थे वो? नहीं दे पाए वो तो। पार्टी को ही दिया पूरा समय शुरू से ही? पार्टी को ही दिया पूरा समय। पार्टी ने सांगानेर से कैंडिडेट बनाया और अब सीएम बनाया। हाँ जी। क्या उम्मीदें रहेंगी आप एक महिला है, महिलाओं के लिए, राजस्थान के लिए, क्योंकि अब तो आप घर में ही डिमांड कर सकती हैं? सब अच्छा ही होगा महिलाओं के लिए, सब अच्छा होगा। आप सुबह जब रवानगी ले रहे थे घर से, तो क्या कामना थी या क्या उम्मीदें थी? कुछ अंदाजा था इतना बड़ा कुछ होने वाला है? प्रभु पे विश्वास था, माता रानी पे विश्वास था कि अच्छा ही होगा। लेकिन पहले कहीं ना कहीं से इशारा मिला था कुछ ऐसा अंदाजा? नहीं, कहीं इशारा नहीं मिला। दूर दूर तक कोई इशारा या कोई अंदाजा नहीं था ऐसा? नहीं था, नहीं था। अब जब चारों तरफ माहौल और खुशियां देखने को मिल रही है, जयकारे देखने को मिल रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या तैयारी रहेगी अगली? जनता की सेवा के लिए तैयार। बात हुई आपकी भजन लाल जी से? बधाई दिया आपने पर्सनली? तैयारी कुछ खास परिवार के साथ कहीं जाएंगे कुलदेवी वगैरह? तो जनता की सेवा के। आप देखिए, ये पत्नी है मुख्यमंत्री की, आपका नाम बताइएगा पूरा। गीता शर्मा। गीता जी, आप जयपुर से ही ताल्लुक रहा है, कहाँ से रहने वाले हैं? जयपुर से, 10 साल से जयपुर से रह रहे हैं, वैसे ससुराल अटारी है जी। तो अब पूरे राजस्थान से बधाइयों के, शुभकामनाओं के संदेश आ रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा होगा अभी तो करें क्या और किस तरह से रिएक्ट करें। राजस्थान मेरा पूरा परिवार है। तो अगला रेजिडेंस आपका सीएम हाउस होगा? खास बात कहना चाहेंगे, खास संदेश देना चाहेंगी? सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्र के लिए कुछ संदेश पीएम मोदी के लिए कि भाई आपको एक ऐसे ग्रास रूट लेवल कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली? मोदी जी के लिए आभार, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।